बाहरे होउछि झिपझिप वर्षा आउ ए वर्षा पाग को समस्त पसंद होउछि गरमा गरम चा सहित किछि कुड़मुड़िया चटपटा स्नाक्स किंतु बाहर को जाइकि किछि मार्केट रु स्नाक्स किनके आने पई कहारे भी इच्छा न थाए ताले टेंशन कण घरे जदि मुढ़ी अछि। आज आम मुढ़ी रे गोटे सहज सुआदिया स्नाक्स बनवा जहाँकि छुआरु बड़ समस्ते पसंद करेंगे। नमस्कार लता ओडिया किचन रे अपन समस्त को अनेक अनेक स्वागत। मुढ़ीर ये टेस्टी स्नाक्स बनवाई प्रथम गोटे मिक्सिंग बाउल रे आम नवा गोटे कप बेसन। गोटे कप बेसन माने एटा 100 ग्राम रो बेसन अच्छी आपण मैंने मेजरमेंट रे ध्यान रखु रेसीपी परफेक्ट बनब। अधा चामच हलदी गुंड ये स्वाद अनुजाई लुण देदे आ सहित से सेम कप्रे मापिकी ये गोटे कप पा ना माने 250 ml पा नहीं जीवे आम ए सब जिनस को बढ़िया भाव में मिक्स करनवा। मुझे जो कप्रे मापिकी गोटे कप बेसन नहीं से कप्रे मापिकी गोटे कप नहीं पा आठ अधिक आपणिया करें तो देखो ये बढ़िया भाव में मिसई देती तो जो बेसन रैटर को आम सैड रखिदे जावा नेक्स्ट स्टेप को। ये आमको दरकार हे गोटे बड़ सैज्र कंचा आलु तो कंचा आलुर चोपा को मुझे बाहर कर देजी आउ पानी पकईकि रखी ताकि कला पड़े नवा गोटे ग्रेटर आउ कंचा आलु को ग्रेट कर नवा। तो दर्शक बंधु आज रेसीपी जदि आपण पसंद आसो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल जदि आपुआ तेल प्लीज सब्सक्राइब करेंगे फेसबुक पेज रे देखुले फॉलो तो निश्चय करेंगे। ये आम आलु ग्रेट होगा एवं आम आलु को तीन चार थर धोईदा कहीं आलु जेहेतु स्टार्च थाए तो धोईबा निहाती दरकार धोईकि नहीं आसला पानी रो आमे आलू को चिपुड़ी चिपुड़ी गोटे बड़ जगह को रखिदबा तो यही भाया गोटे बड़ जगह ने सब जिनस मिसाई सुविधा हे आलू कोरा सहित आम दबा एटी गोटे मीडियम सैज्र कोरी रखि गाजर आउ दबा एटी गोटे फाड़ कैप्सिकम ताको मुझे छोट छोट कर काटिकी नहीं छड़ा गोटे मीडियम सैज्र कटा पियाज दबा सब जिनस को एकदम छोट कर काटिकी ने आठ कटाई किसी भूर्सुआ पत्र मुझे आपण धनिया पत्र भी नहीं पारे दी तीन टा कंचा लंका को ये छोट छोट कर काटिकी नहीं खाइबे निज हिसाब से ने आठ गोटे इंच अदा को मुझे कोरिकी नहींचिकी भी नहीं पारे एवं आम देदे स्वाद अनुजाई लुण बेसन में भी लुण पकईले ध्यान रखिकी पकेबे भल कलर टी आसपाई अधा चामच काश्मीर रेड चिली आउ टेस्ट बढ़िया आसपाई चटपट आने आम ये पकेबा मैगी मसला गोटे जो छोट 5 टका पैकेट पाउज आसे ना से पाउज ये मुझे गोटे नहीं मैगी मसला जदि नपण मैंने चिकेन मसला मटन मसला गरम मसला बा करी पाउडर पकई पारे गोटे छोट चामच तो सबको देकी आम गोल नवा तो गोल एबे कौन करिबा जोटा आमर मेन जिनस रेसीपी सेटा होची मुढ़ी एठी मु गोटे बड़ गिना मुढ़ी नहींचे जदि मु आपनको ग्राम्स रे कहिबी ताले 100 ग्राम रो मुढ़ी अछि बेसन भी आमर 100 ग्राम थिला तो मुढ़ी भी आमर 100 ग्राम मेजरमेंट जदि आपनकर परफेक्ट रहिला आपनकर रेसीपी भी परफेक्ट बनिबो। एबे आमे गोळे रखिथिबा बेसन को मुढ़ी उपरे दे दबा बेसन को गोळिया पई आमे जति कि पानी व्यवहार करछि बस सेति कि ताठ आम एक्सट्रा पानी एथे आउ यूज करिबानी एबे आमे सब जिनस को गोल नवा बढ़िया भाव बेसन रैटर को आम मुढ़ी सहित मिसे सारापर आपको बे समय आ न रखिकी बाहर सांगे सांगे आम स्नाक्स बनवा स्टार्ट करवा ना कौन हम मुढ़ी अधिका चेमटा लगे गोल सारापर लास्ट रे पूरा आम दबा ये 2 छोट चामच धला राशि देखा जीवो भले स्वाद भी भल आसो आ छड़ा गोटे छोट चामच गोटा जीरा देदे आउ थे आम गोल नवा सब जिनस गोल सारापर जदि आपन को लगे ये जो मुढ़ीर मिक्सरटा आपन को पाया लगुच माने बेसन ये गोटे 2 चामच एक्सट्रा दे पारे बा हाथ में एमती गोल करेंगे देखिए जदि से सेप्रे बनुनी बा गोल बनुनी जानवे ये बेसन कम हो किंतु बेसन बेसी पकईबेनि खाली बेसन बेसन टेस्ट आसो मुढ़ीर टेस्ट आसवनी तो हाथ में भल भाव गोटे चिकन गोल करमती फ्लाट करनेवा बरा भाया जमी आप देखुं भिडियो आपत यार सैज को बड़ करें कि मोटा करें मझीटा सीझी पारन क्रिस्पी बनबन एवं कौन करवा आम फ्राए करवा तो से गोटे तावा 3-4 चामच आम देवा रिफाइन तेल आेल भल भाव गरम होगला आम गैस फ्लेम को लो टू मीडियम रखा तापर ये बरा गुड़ाक आम मुढ़ीर बनईचे ना ताको आमे तेल रे दे दबा ध्यान रखिबे गैस रो फ्लेम को बिल्कुल भी हाई करिवेनी लो टू मीडियम रे रखिबे आउ जदि फ्लेम को आपण माने हाई कर देबे बरार दी साइड बहुत जल्दी कलर चेंज हो जिवो किंतु ए मुढ़ी बरार मझीटा सिझिबनी सेतिपई धीमा आंच रे आकु फ्राई करंतु कम तेल रे ये भाजी हो जिवो बेसी तेल दबा दरकार भी नहीं देखंतु केते सुंदर कलर आसी जाइछि गोटे साइड हेई गला पोरे ताकु उल्टे की
ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ ଏମିତି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏ ରେସିପିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଢ଼ି ବେସନ ପାଣିର ଭାଗ ମାପ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଛି ସେହି ହିସାବରେ କଲେ ରେସିପି ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବେସନ ମୁଢ଼ିର ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଠି ଭାଜିବାର ଅଛି। ଏଇଭଳି କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଯାଇଛି ଉପରୁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଉପରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ମୁଢ଼ିରେ ବନେଇଛେ ବୋଲି। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଖାଲିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ସସ୍ ସହିତ ବି ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ। ଆଉ ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ବନିଯାଉଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।